Assalamu alaikum. Welcome to another new video of Random and More. So, for those of you who are new here, my name is Huda Sayed and I'm a second year medical student at Dow Medical College, Karachi. So, guys, this is the 2nd of October 2019 and you guys are done with your NTS test and I hope it went well. So, NTS ka test bhi ho gaya hai aapke aur marks bhi aa chuke hain NTS ke. So, you guys know ke aapke jo hai out of 200 kitne marks hain. So, what comes next is the admission process. Sahi hai. So, our today's topic is the admission process of government medical colleges. Now see, hamare paas government medical colleges bhi hain, we have private medical colleges. But as I am a student of a government medical college, to mujhe usi ka idea and I will be discussing about it. For those of you who are willing to take admission in a private medical college, then I would suggest you to visit the website of the respective university or either contact the administration department if you have any query. So, let's begin our today's video, which is the admission process of government medical colleges. So, as usual, I have with me some points which I will be discussing one by one and I will try to cover up all the necessary stuff. So, first we have the forms. अच्छा हमारे टाइम पे ये था कि वी फिल आर फॉर्म्स बिफोर दी NTS टेस्ट. सही, हमने NTS टेस्ट से पहले NTS का फॉर्म भी फिल करा था, उसके साथ साथ जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स थे वो भी फिल करेंगे. आई थिंक इन योर केस यू गाइस हैव टू फिल द फॉर्म्स आफ्टर द NTS टेस्ट. सो इट डजंट मैटर कि आप पहले करें बाद में करें, सही फॉर्म तो आपने फिल करना है. तो अगर आपने बाद में करना है तो अभी फॉर्म्स आ गए होंगे, विजिट द वेबसाइट और अगर आ गए तो उसको लेके फिल कर. सो द सेकेंड वन इज़ द इनिशियल मेरिट लिस्ट. अच्छा आप फॉर्म फिल कर लिए, टेस्ट भी हो गए, मार्क्स भी आ गए. सो अब जो पहली चीज़ आती है आपके पास वो आती है इनिशियल मेरिट लिस्ट. सही है, देर इज़ नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर द इनिशियल मेरिट लिस्ट. टाइम का कुछ पता नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि वो आफ्टर वन मंथ अनाउंस करें, वन एंड हाफ या टू मंथ्स अनाउंस करें. नोबडी नोज अबाउट इट. सही है, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. सो यू हैव टू वेट अंटिल दे अनाउंस द इनिशियल मेरिट लिस्ट. वो अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि व्हेन दे आर गोइंग टू अनाउंस इट. डू चेक द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. सही है, डेली चेक करनी है आपने. तो इनिशियल मेरिट लिस्ट आती है, देन कम्स द फाइनल मेरिट लिस्ट. तो आपकी इनिशियल के कुछ दिनों बाद विद इन अ वीक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो जाती है. ओके, सो द क्वेश्चन अराइजेस, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट. के दो अलग अलग क्यों हैं? एज फार एज आई नो देयर इज़ नो सच डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट. इनिशियल में बस ये होता है कि यू हैव टू एंटर योर CNIC और उसके अंदर वो आपका जो है वो मेरिट नंबर बता देते हैं, आपके स्कोर वगैरह जो भी बना हुआ है. एंड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट दे गिव यू अ प्रॉपर लिस्ट जिसमें फ्रॉम द फर्स्ट मेरिट टू द लास्ट मेरिट सारे स्टूडेंट्स के नाम होते हैं कि किसका कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम एडमिशन हुआ है, फर्स्ट 250 या 60 जितने भी होते हैं, कौन से हैं जिनका JSMU में एडमिशन हुआ है. सही है, सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि इनिशियल में यू विल गेट टू नो योर रिजल्ट ओनली, और फाइनल के अंदर आपके सबके जो है वो नाम आ रहे होते हैं फ्रॉम वन टिल दी एंड. सही है, सो उसके बाद हमारे पास है या द इंटरव्यू कॉल. अब जब फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी ना, द यूनिवर्सिटी विल अनाउंस द इंटरव्यू डे कि आपका इंटरव्यू कब है. अच्छा, हर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अपना अलग अलग दिन होता है, लाइक डाव का है तो वो एक दिन होगा, JSMU का है तो वो नेक्स्ट डे होगा. तो दे अनाउंस ऑन देयर वेबसाइट कि आपका इंटरव्यू कब है. अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल. ठीक है, इसके अंदर इतना कोई वो नहीं होता. इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट आई एम नॉट गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. आई विल सजेस्ट यू गाइज टू गो एंड चेक आउट आवर चैनल्स प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो हाउ टू एज डाउ इंटरव्यू. इट्स अ 10-मिनट वीडियो और उसके अंदर आपको इंटरव्यू की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, जो भी होती हैं रिलेटेड, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब आपको बताई गई हैं. सो आई वुड रिकमेंड इट टू वॉच द वीडियो एंड गाइज वॉच टिल द एंड. उस वीडियो को आपने एंड तक देखना. सही है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है कि आई विल बी डिस्कसिंग अलग अलग करके, एक इंटर स्टूडेंट्स का, एक एलेवन का. इंटर स्टूडेंट्स के लिए ये है कि एज फार एज आई रिमेंबर मैंने मार्कशीट सबमिट करी थी, प्रोविजन सर्टिफिकेट सबमिट करा था और मार्कशीट इंटर और मैट्रिक की. सही है, अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबमिट करा था तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे लिए थे, तकरीबन 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स कोई थे. आई डोंट रिमेंबर अभी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, बट दे अपलोडेड. जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं ना वो अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे. तो वही आई एम सेइंग दैट अगेन कि डू चेक द वेबसाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़. जो हर ईयर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया था वो आप लोगों को भी वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो. सो डू चेक आउट द वेबसाइट, उस पर आपको वो सारी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मिल जाती है. वो डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू वाले दिन सबमिट करने होते हैं.
सर ये फॉर द ए लेवल्स स्टूडेंट आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें दो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. वन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द जर्नल सर्टिफिकेट. सो इसके इन दोनों के अंदर से आपने जो यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है वो जर्नल सर्टिफिकेट होगा. स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट आपके अपने पास रहेगा, जर्नल सर्टिफिकेट आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है. सही है? सो डू रिमेंबर दिस. ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फीस सबमिशन. अच्छा अब आपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, इंटरव्यू भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, नाउ कम्स द फीस सबमिशन. वो आपको वाउचर्स देंगे दो. अच्छा इसमें भी एक और चीज़ होती है कि इफ़ यू आर टेकिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी तो आपको दो वाउचर्स मिलेंगे. एक यूनिवर्सिटी की फीस का होगा एयरली फीस और एक जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट का होगा. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन अपनी यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं ले रहे तो आपको एक ही वाउचर देंगे यूनिवर्सिटी का एंड यू हैव टू सबमिट. तो बैंक यूनिवर्सिटी के में ही बना होता है, हमारे तो यूनिवर्सिटी में ही है तो वहीं पर हमें सबमिट करना था जाके. तो ये वाउचर्स आपको मिलते हैं और ये आफ्टर डॉक्यूमेंट सबमिशन आपने जो है वो अपनी फीस सबमिट करनी होती है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द नेसेसरी स्टफ. ठीक है अब आपने फीस सबमिट कर दी है, सारा आपका प्रोसेस हो गया. सही है अब लास्ट में आपने अपना जो ज़रूरी चीज़ें फर्स्ट ईयर के लिए वो लेनी है. सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती है दैट इज़ द लैब कोट. इसके अलावा नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर अभी पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि वी हैव टू बाय दिस एट द स्टोर और ब्लड प्रेशर फिटनेस लेना है, ये लेना है. यू डोंट नीड दिस ऑल दीज थिंग्स. हमारे पास भी नहीं है. इनफैक्ट वी आर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और हमने ये सब कुछ भी नहीं लिया बिकॉज यू गाइस विल नीड दिस इन द थर्ड ईयर जब आपके वर्ड्स स्टार्ट होते हैं. तो आपने सारी चीज़ें जो अपने पास लेनी होती हैं. लेकिन अभी फॉर द फर्स्ट ईयर यू जस्ट नीड अ लैब कोट. तो जब आप सब करा लेंगे यूनिवर्सिटी में सब फीस वगैरह सबमिट कर दी सो गो टू द शॉप वहाँ पर होती है, वहाँ आपको लैब कोट और उस यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम मिल जाता है. सही है तो वो आपने लेना है. ये लास्ट स्टेप होता है आपका. उसके बाद फिर आपका ओरिएंटेशन डे होता है, देन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं. सो द एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ये जर्नल प्रोसीजर यही है एडमिशन प्रोसेस का. आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि डू चेक आउट द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्योंकि आई हैव मेंशन द जर्नल एडमिशन प्रोसेस. यही हमारे टाइम पर जिस तरह जैसे यही हुआ था, हमने यही सब कुछ करा था कि पहले मेरिट लिस्ट आई फिर जो है वो इंटरव्यू हुआ उसके बाद दैन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन और फिर ओरिएंटेशन डे वगैरह क्लासेस स्टार्ट हो गए. बट हर ईयर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. जो भी चेंजेस आते हैं यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड कर देती है. सो डू चेक आउट द वेबसाइट ऑफ ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी डेली. सो यू गाइस विल गेट दी अपडेट्स कि क्या क्या चेंजेस हैं, अगर कोई चेंज है. सही है तो डू चेक आउट द वेबसाइट. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन मोर इज अभी आपका टेस्ट 15 को हो गया है. तकरीबन मेरिट लिस्ट आने में भी कम से कम भी जो है ना वो 1.5 months लगता है. 1.5 या 2 months तो लग ही जाते हैं. सही है सो यू गाइज हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम राइट नाउ. सही है अभी बहुत आपके पास फ्री टाइम है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू इंगेज योर सेल्फ इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू प्लेजर. अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी अदर स्पोर्ट्स तो उसमें पार्टिसिपेट करें. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल जस्ट लाइक अस सो यू कैन डू इट ऑल्सो. बाकी आपने अगर कोई अकेडमी ज्वाइन करनी है, कोई कुछ और चीज़ करनी है, कोई कोर्स करना है तो 2 महीने में आप वो भी कर सकते हैं. सो द की पॉइंट इज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम राइट नाउ. So don't waste it. So yeah, utilize it in the best possible way. Do the things you love to do. Because once your university started, you won't be having any free time. एक दफ़ा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई ना फिर वो आप 5 बजे घर आ रहे हैं, फिर वो डेली पढ़ाई भी चल रही है, फिर रोज़ यूनिवर्सिटी आना है, तो उसके बाद फिर अपनी पसंद की चीज़ें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता. सिर्फ इफ़ यू हैव इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ हॉबी, कोई भी आपकी कोई चीज़ है जिसमें इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ थिंग एज आई मैंशन सो डू इट इन दिस टाइम. ये बहुत बेस्ट टाइम है अभी आपके पास कि टेंशन फ्री टाइम है. आई नो टेंशन है, मेरिट लिस्ट की होती है एंड या दैट इज़ वन वे टू कोप अप विद द टेंशन. जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती यही होता है कि मेरिट नंबर क्या होगा, कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ नहीं होगा. सो टू अवॉइड दिस टेंशन इंगेज योर सेल्फ इन द थिंग्स यू लाइक, डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सही है डोंट वेस्ट दिस टाइम. ओके सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल द नेसेसरी स्टफ एंड that's it for today's video. So if you guys like this video then give it a thumbs up, share it with your friends, don't forget to subscribe to our channel. Keep watching Random and More and best of luck to all of you. Take care. Allah Hafiz.